सिद्दिक को हत्या नहीं बीजेपी को सांघातिक टारगेट कले राहुल। महाराष्ट्र में आईन श्रृंखला परिस्थिति ध्वंस आड़क जाउछि। बाबा सिद्दिक को हत्या आश्चर्यजनक एवं दुखदायक। तृतीय अभियुक्त को टारगेट कले विरोधी दल नेता। बाबा सिद्दिक हत्या पर महाराष्ट्र में कोलाहल स्थिति पलटिछि। आईन श्रृंखला परिस्थिति ध्वंस आड़क जाउथिबा विरोधी मुखिया राहुल। से कहते बाबा सिद्दिक देहांत आश्चर्यजनक एवं दुखदायक। एक कष्ट समय परिवार सहित मोर समबेदना। से ट्विटर एक पोस्ट में लिखिं ए भयंकर घटना महाराष्ट्र में आईन एवं व्यवस्था संपूर्ण पर्तन को दर्शाऊ। सरकार यह दायित्व भाव ग्रहण करने को पड़े एवं यह घटन न्याय प्रदान करा उचित। कांग्रेस नेता कहते जे शनिवार प्राय राति 9:30 मुंबईर खेर नगर स्थित पुओं कार्यालय बाहर बाबा सिद्दिक को तीन जन लोके अटकई गुली करा लालबती हॉस्पिटल को अणा जाए मृत घोषणा कर बांद्रा वेस्टर तीन थर विधायक बाबा सिद्दिक चलित बर्ष फेब्रुआरी में कांग्रेस इस्तफा देवापर अजित पवार एनसीपी में जोग देते। सिद्दिक मुंबईर जड़े प्रमुख मुसलमान नेता थे। से शाहरुख खान और संजय दत्तों समेत अनेक बॉलीवुड तारका निकटतर होते। पुलिस कहती घटन उत्तर प्रदेश और हरियाणा दुईज को गिरफ्त कर तृतीय अभियुक्त एवं फेरार अच्छा। 15 दिन पूर्व मृत्यु धमक पाइबापर बाबा सिद्दिकों सुरक्षा को वाई श्रेणी को उन्नत कर मुंबई पुलिस सूचना अनुसार दुईज सुटरों परिचय मिली जड़े एवं फेरार अच्छा। विरोधी दल नेता माने सीएम एकनाथ शिंदे और प्रतिनिधि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इस्तफा दावी कर सरकार वाई वर्गर सुरक्षा कवर सहित जड़े राजनेता सुरक्षा दे पारे ना तेब यह साधारण लोक किपर सुरक्षा देव। कांग्रेस बाबा सिद्दिक देहांत को महाराष्ट्रवासी एक बड़ क्षति बोली वर्णना कर। देश विदेश कोण अनुकोण टिकनिक खबर देखु आम सह यूट्यूब फेसबुक आउ इंस्टाग्राम आम को देखु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्य भूलु।